हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन मैराथन सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कल हमने एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेशन अपलोड किया था और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको अगले सेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगला टॉपिक भी मिलेगा आज हम कॉस्टिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे एंड किस तरीके से कॉस्टिंग में पेपर आ सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है सब कुछ आज के सेशन में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसी तरीके के रिवीजन सीरीज आपको मिलने वाली है पूरे 23 अक्टूबर तक आपको सारे के सारे रिविजन्स मिलेंगे एंड एग्जाम से एक दिन पहले आपको एक फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज जो होती है वो भी आपको मिलने वाली है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले बिकॉज अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना ये वीडियो उन तक भी जाएगा और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से हो सकता है अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट सेम है तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिवस के ऊपर तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होगा अभी ऑब्जेक्टिव्स में यूजुअली एम पूछा जाता है बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है यूनिवर्सिटी ने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है एम पूछा जा सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है ये आपके लिए टेन मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टेन मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिवस के ऊपर नेक्स्ट uh, जो बी आता है बी में आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग ऊपर अगर एमसीक्यू आए तो नीचे ट्रू और फॉल्स भी डाल सकते हैं या मैच द फॉलोइंग जो होगा वो भी आपका टेन मार्क्स का ऑलरेडी पूछा जाएगा तो ओवरऑल अगर हम ये ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वी आर हैविंग ट्वेंटी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स राइट right? तो ट्वेंटी मार्क्स के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करें अभी कॉस्टिंग में एक प्रॉब्लम है कॉस्टिंग में प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्टिंग में टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है और एग्जामिनर को सारे क्वेश्चन को अगर कवर करना है तो एग्जामिनर करता क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर टू हो क्वेश्चन नंबर थ्री हो ए बी में डिवाइड कर लेता है मतलब बीस मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता वो क्या करता है आईदर और बीस मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और टेन टेन मार्क्स के दो क्वेश्चन में डिवाइड करेगा अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं देखो प्रीवियस ईयर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर टू ए जो था क्वेश्चन नंबर टू ए आपको क्वेश्चट के ऊपर पूछा गया था पूरा वीडियो के बाद हम एक लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली exactly कौन से चैप्टर्स है ऐसे जो आपको पढ़ के जाने हैं कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है तो आज ये पूरा डिटेल एक रोड मैप बनाएंगे कॉस्टिंग का पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए कॉस्टिंग में क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट में ऐसे सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ओवरऑल उसका बेनिफिट आपके पेपर्स में होगा तो कॉस्शीट जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर के पेपर में विच वॉज आज फॉर ट्वेंटी मार्क्स सीधा बीस मार्क्स का क्वेश्चन आया था अब क्वेश्चन में क्या होता है कितना लेवल्स होता है जब हम चैप्टर वाइज रिविजन करेंगे तो हम उसमें भी डिटेल डिस्कशन करने वाले जैसे हमने फाइनेंस में इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का भी डिटेल डिस्कशन किया था अगर हम क्वेश्चन नंबर टू ए की बात करें दैट वॉज फॉर ट्वेंटी मार्क्स इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था इसके ऑप्शन में टू जो क्वेश्चन नंबर टू था और जो क्वेश्चन नंबर टू बी था उसमें एक दस मार्क का क्वेश्चन पूछा गया और ये दस मार्क का क्वेश्चन किसपे पूछा गया था FIFO वेटेड एवरेज ठीक है कभी FIFO पूछेगा कभी वेटेड एवरेज पूछेगा डिपेंड करता है कोई भी चीज पूछ सकता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था टेन मार्क्स के लिए एंड दैट वॉज ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग FIFO एंड वेटेड एवरेज का क्वेश्चन इसके साथ और एक पॉइंट अगर हम सी की बात करें तो ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन था इसके साथ और एक दस मार्क का क्वेश्चन था एंड इस पे जो क्वेश्चन था दैट वाज मशीन आवर रेट मशीन आवर रेट जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप रनिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वो सब कैलकुलेट करते हैं एंड दैट वाज फॉर टेन मार्क्स तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर टू तो इसमें आपको बीस मार्क का सॉल्व करना है आइदर यू गो विथ कॉस्ट शीट और आइदर वी गो विद दिस टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विथ क्वेश्चनशीट वी कैन सॉल्व रिमेनिंग टू क्वेश्चंस दस दस मार्क्स के ऐसे लास्ट ईयर पूछा था इसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो क्वास्ट का जो चैप्टर है वो बीस मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी है भले वो क्वेश्चन नंबर टू में आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाए कौन से टाइप के क्वेश्चीट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थ्री आपको ए बी फॉर्मेट में ही पूछा था सबसे पहला जो ए ए आया था दैट वाज ई ओ क्यू क्यू आप सभी को पता होगा मटेरियल कॉस्टिंग में है रूट ऑफ टू इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी ऐसा हम फॉर्मूला उसमें यूज करते हैं तो ये ईओ e क्यू आया था टेन मार्क्स के लिए पहले हम पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको अगर पेपर पैटर्न समझ में आया तो आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता चलेगी कि वो किस तरीके से कॉस्टिंग का पेपर पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में उसके कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा बहुत अभी क्या होगा थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा लेकिन उसके कंपैरिजन में हमको एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ईओ का क्वेश्चन आता है दस मार्क्स के लिए इसके साथ एक बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछा था दैट वॉज मटीरियल कॉस्टिंग चैप्टर का अगर आप को पता है मटीरियल कॉस्टिंग में तो जिसमें ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक उसमें हम जो मटीरियल टर्न ओवर रेशियो ढूंढे हैं वो आपको दस मार्क्स का ये पूछा था तो ये दस दस मार्क्स के क्वेश्चन दो आए थे एंड दैट वॉज अगेन फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो दिस वॉज फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में इसके ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन नंबर थ्री जो पूछा था दैट वाज फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड दिस वाज फ्रॉम द चैप्टर ओवरहेड्स कॉस्टिंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ये सबके लिए फेवरेट टॉपिक है सबके लिए इजी टॉपिक है और सब इसमें काफ़ी कंफर्टेबल होंगे एंड दैट इज़ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स जिसमें हम मटेरियल ए डिपार्टमेंट ए बी सी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे प्रिपेयर करते हैं और उस पर हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं तो ओवरऑल इधर भी आपके लिए कितने मार्क्स है इधर भी आपके लिए ट्वेंटी मार्क्स है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन नंबर टू दैट वॉज

एंड दैट वॉज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिकन्सीलेशन ठीक है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ये दस मार्क का एक क्वेश्चन आया था उसके साथ उसके साथ और एक दस मार्क का क्वेश्चन आया था दस मार्क का क्वेश्चन अगर आपको पता है चैप्टर लेबर कॉस्टिंग तो लेबर कॉस्टिंग में जो हेल्से प्लान रोवेन प्लान वो सब कैलकुलेशंस है या फिर वो एक दूसरा कैलकुलेशन आता है जिसमें डियरनेस अलाउंस दिया है वर्कर्स का कैलकुलेशन होता है जिसमें हम वर्कर ए वर्कर बी ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर जो था दैट वाज अगेन फॉर ट्वेंटी मार्क्स टेन टेन मार्क्स के क्वेश्चन थे टेन मार्क्स इसके लिए टेन मार्क्स इसके लिए और इसको एक ऑप्शन आया था और जो ऑप्शन आया था दैट वॉज क्वेश्चन नंबर फोर बी और वो फोर बी जो था दैट वॉज अगेन ऑन लेबर कॉस्टिंग एंड जो ये लेबर कॉस्टिंग था दैट वॉज डायरेक्टली ट्वेंटी मार्क्स तो काफ़ी अच्छा पेपर ओवरऑल लास्ट ईयर के एग्जामिनर ने डाला हुआ है अगर आप लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो इसमें लेबर कॉस्टिंग सीधा बीस मार्क में जिस, जिसमें हेल्से प्लान रोवेन पाल प्लान गैंटास ब्लोनस प्लान फिर पीज रेट सिस्टम टाइम रेट टाइम पीस या टाइम रेट सिस्टम ऐसे बेस पे पेपर पैटर्न आपको पूछा गया है तो आज हम ये ओवरऑल जो अभी हमने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें आपके पेपर पैटर्न रिलेटेड थी तो कॉस्टिंग में पूछी गई थी लास्ट ईयर के पेपर में एंड दिस इज द पेपर पैटर्न विच वॉज आस्क इन द लास्ट ईयर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि क्वेश्चन नंबर टू में यही चैप्टर आएगा या क्वेश्चन नंबर थ्री में यही चैप्टर्स आएगा हम एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर्स लास्ट ईयर के पेपर में पूछे थे अभी हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मटेरियल कॉस्टिंग में से पढ़नी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो आज हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का जो है वो बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मटेरियल कॉस्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो मटेरियल कॉस्टिंग में लेवल्स कितने हैं वो भी हम पढ़ लेंगे एंड उसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है तो ध्यान से सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें जो आपको मटेरियल कॉस्टिंग रिलेटेड ध्यान देना है देखो दो तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है अभी सबसे पहला जो पॉइंट है सबसे पहला मटेरियल कॉस्टिंग में वो तो है फीफो एंड वेटेड एवरेज ठीक है फीफो एंड वेटेड एवरेज यूजअली अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है आइधर फीफो पूछता है या वेटेड एवरेज पूछता है तो ये आपको सॉल्व करना है दिस विल कैरी टेन मार्क्स तो ये दस मार्क्स का क्वेश्चन है दस मार्क्स का चैप्टर है अगर ये दोनों के दोनों आ गए फिफो भी आ गया वेटेड एवरेज भी आ गया एक ही क्वेश्चन में दोनों के दोनों पूछ लिए देन इट कैन गो फॉर ट्वेंटी मार्क्स अदरवाइज इट विल कैरी ओनली टेन मार्क्स इन द पेपर तो मटेरियल कॉस्टिंग आई होप कि फिफो वेटेड एवरेज आप सभी को आता होगा उसमें एक सिंपल कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं शॉर्टेजेस के कैरेज इनवर्ड के वो जरा ध्यान से देख के जाइए अगर वो आप प्रॉपरली देखेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा तो इतना पहले पढ़ लेना फिफोर वेटेड एवरेज आपको पढ़ना है उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है जो कभी कभी पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है जिसमें क्या होता है और लेवल्स पूछे जाते हैं लेवल्स ये आप कोई भी टेक्स्ट बुक निकाल के देखिए शेत पब्लिकेशन या मनन प्रकाशन आपको उसमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लेवल्स में क्या है लेवल्स ढूंढने हैं जैसे कि रीऑर्डर लेवल ठीक है रीऑर्डर लेवल होता है रीऑर्डर लेवल फिर आपको ढूंढना पड़ता है मिनिमम लेवल देन वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल सबके फॉर्मूलाज है मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल देन वी नीड टू कैलकुलेट दी एवरेज लेवल ठीक है इतने पॉइंट्स है वेटेड एवरेज दस मार्क्स का आ सकता है ये लेवल्स का भी क्वेश्चन आपको दस मार्क्स में आ सकता है अभी तीसरा बहुत ही और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज ये जो थर्ड टाइप है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा देखने मिलेगा दैट इज़ ई ओ क्यू ई ओ क्यू में एक्चुअली देखा जाए तो वैसे दो मेथड्स है एक आपका इक्वेशन मेथड है वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन मेथड जिसमें हम ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं रूट ऑफ टू इंटू ए इंटू ओ ओ बाई सी और दूसरा जो होता है दैट इज़ टैबुलर मेथड ठीक है ये इंपॉर्टेंट ये ऐसे दो मेथड्स हैं ओ क्यू में ज़्यादा करके ये इक्वेशन मेथड के ऊपर ही क्वेश्चन आता है लेकिन टैबुलर मेथड ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही ऑप्शन में डालना है टैबुलर मेथड भी आपको एक साल में एक एक हाथ दो पेपर में आपको टैबुलर मेथड भी देखने मिलेगा दिस ऑल्सो अगेन कैरी टेन मार्क्स इन द पेपर तो अगर हम बात करें ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग तो मटेरियल कॉस्टिंग में यूजुअली ये दो तीन पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करके जाना है और इतना भी पढ़ के जाएंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू इसके साथ इसके साथ और एक फोर्थ नंबर का पॉइंट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा था एंड दैट वॉज कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो ठीक है कैलकुलेशन क्या है इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो ये भी पूछा गया था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मटेरियल ए दिया जाएगा मटेरियल बी दिया जाएगा मटेरियल सी दिया जाएगा और मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक में आपको ऐड करना है परचेजेस और आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक तो ये आपको मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम मिलने के बाद फिर आप इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री हम किस तरीके से ढूंढते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू तो अगर आपको ये पॉइंट्स चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमको इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो का भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाइए तो उसका भी मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करके आपको अपलोड करके दे दूंगा तो दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल वरना आप उसको देख सकते हैं बुक में काफ़ी इजी है ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसमें आएगा नहीं हम फिलहाल ये डिस्कस करें कि ओल और आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है तो पहला पॉइंट है मटेरियल कॉस्टिंग में फीफो वेटेड एवरेज सिंगल क्वेश्चन टेन मार्क्स अगर डबल क्वेश्चन आया मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों कैलकुलेशन आए तो इट विल बी फॉर ट्वेंटी मार्क्स पॉइंट वाला क्वेश्चन री ऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम लेवल वो सब ढूंढना दैट नंबर फोर्थ है आपका इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जिसमें आपके ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के कैल्कुलेशन करने हैं एंड दिस विल कैरी टेन मार्क्स तो इतना चार पार्ट है आपके मटेरियल कॉस्टिंग में ये चार पार्ट्स पढ़ के ये चारों में से दो चीजें तो आपको देखने मिलेगी ये जो टें -टें के मिल सकते हैं बिकॉज नॉर्मली वेटेड एवरेज सबको आता है बाकी की चीजों में ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं तो ये ध्यान से पढ़िए ये सारी चीजें पढ़िए इतना अगर पढ़ लेंगे प्रॉपरली तो आपको इसका हेल्प हो जाएगा Uh, जो वेटेड एवरेज है वो तो आपके एफ में भी था वही पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है एक दो नए एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आते हैं तो ये है हमारे कॉस्टिंग का फर्स्ट टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगती है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है मैंने ई का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था तो ई का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो वो आप वीडियो देखिए एक बार उसमें प्लिफरेज वगैरह के पॉइंट्स आते हैं ई कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने ऑलरेडी करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए जिनको ई नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वो वीडियो चेक करिए और मटेरियल कॉस्टिंग के इतने सारे लेवल्स आप अगर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मटेरियल कॉस्टिंग तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का आज का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ना है वो भी डिटेल डिस्कशन कर लिया तो अभी आपको कल जो सेशन मिलेगा दैट विल बी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर आपको मिल जाएगा एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ आपको कॉस्टिंग के भी सेशन साइमल्टेनियसली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कमेंट करिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे अपने फ्रेंड्स में सोच शेयर करेंगे तो दैट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू प्रिपेयर मोर वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टिल देन बाय बाय टेक केयर